हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लास 12 का, और इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में आज हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो हम इसमें पिछले लेक्चर में इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे तो हम फर्टिलाइजेशन के बारे में इसमें देखें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमारी हो चुकी हैं और इसमें थोड़ा पोर्शन आपका फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और जो फीमेल गैमेट है उसकी फ्यूजन को और जो फॉर्मेशन हो रही है जाइगोट की, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसको टेक्निकल वर्ड जो है इसका सिंगैमी, इसको सिंगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, सिंगैमी। ठीक है, तो सिंगैमी मोर साइंटिफिक वर्ड है देन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें डायग्राम में देखिए आप, जैसे कि पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ था, पोलिनेशन हुआ, तो राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो सिंपल सी बात है कि स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, हाइड्रेटेड करोगे उसको, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाने की कोशिश करेगी। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। अब पोलन ग्रेन के किस पार्ट से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, तो याद होगा आपको मैंने पोलन ग्रेन में दो लेयर बताई थी आपको, एग्जाइम और इनटाइम। ठीक है, तो जो एग्जाइम है वो तो एक टफ लेयर है, और एग्जाइम जहां से थोड़ी सी अब्सेंट होती है उसको हम जर्म पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर जो है यहां से इनटाइम जो है एक्सटेंड्स, क्योंकि एक्सटेंड्स क्यों होगी, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है, जैसे कि जो पोलन ग्रेन है ये, जैसे कि ये इसके बाहर की लेयर है। ठीक है, और ये मान लो यहाँ से थोड़ी सी अब्सेंट होती है इधर। ठीक है, तो इसमें जो ये जो आपकी जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो जब हाइड्रेटेड होगा, स्टिग्मा के द्वारा हाइड्रेट किया जाएगा पोलन ग्रेन, तब इसमें जो है साइटोप्लाज्म जो साइज है, साइटोप्लाज्म का जो साइज है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। और उसके जैसे कि अब ये तो टफ लेयर है, स्पोरोपोलेन की बनी हुई है, ये टफ लेयर है, तो ये तो इसको तो डैमेज कर नहीं सकता ये, तो यहाँ से जो जर्म पोर, ये इसको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रोट्रूड होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से ये प्रोट्रूड होनी शुरू हो जाएगी, बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सटेंशन को ही हम पोलन ट्यूब कहते हैं, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि दो मेल गैमेट होंगे और एक जो है ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा इसमें दो तरह की सेल होती है पोलन ग्रेन में, एक जनरेटिव सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल जो है लार्ज साइज में होती है और ये स्मॉल होती है उसके, तो वेजिटेटिव जो सेल है उसका न्यूक्लियस जो है वो एक ट्यूब न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, और जो जनरेटिव सेल है वो फॉर्म करेगा दो मेल गैमेट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे मतलब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब आगे बात करें हम इसमें कि पोलन ट्यूब जो है फिर स्टाइल से होती हुई, क्योंकि मिडल पार्ट स्टाइल है पिस्टल पार्ट का, तो स्टाइल से होती हुई कहाँ पर जाएगी, ये ओवरी तक पहुंचेगी। ठीक है, अब जो है स्टाइल जो है इसमें एक चीज और बता देते हैं आपको कि पहली बार जो पोलन ट्यूब जो है इसकी फॉर्मेशन जो है पहली बार किसने देखी थी, ये देखी थी अमीकी नाम के साइंटिस्ट ने, अमीकी अमीकी, और इसने देखी थी किसमें, इन प्रोटूलेका प्लांट, प्रोटूलेका प्लांट में पहली बार स्पष्टली सीन बाय अमीकी, इसमें इन प्रोटूलेका प्लांट के अंदर पहली बार देखी गई थी। ठीक है, अब आगे बात करें यदि स्टाइल की, तो स्टाइल जो है वो तीन तरह से होता है, स्टाइल तीन तरह से कैसे होता है देखिए एक बार, स्टाइल जो है अलग अलग प्लांट में, जैसे कि हम बात करें तो तीन तरह के, तीन टाइप्स हैं इसके। ठीक है, कौन से, सोलिडिफाई हो सकता है, सोलिड हो सकता है अंदर से, जैसे कि इसमें बहुत सारे टिश्यू वगैरह भरे हुए हो, अंदर से सोलिड हो। ठीक है, दूसरा जो है होलो स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, और तीसरा जो है वो सेमी सोलिड हो सकता है। सोलिड, होलो, सेमी सोलिड। अब सोलिड के अंदर जैसे कि हम बात करें तो जो ये पोलन ट्यूब है
सिंपल सी बात है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। पोलन ट्यूब इसको आगे की तरफ जैसे कि इसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सोलिडिफाई है स्टाइल, तो यहाँ से जब पेनिट्रेट करेगी तो इस पेनिट्रेशन में इसके इसकी हेल्प जो है वो दो एंजाइम करेंगे दैट विल बी प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। वो दो एंजाइम कौन से हैं, पहले भी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, दो एंजाइम कौन से हैं जो इसमें सोलिडी में करेंगे, दो एंजाइम कौन से हैं, वो है पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंड सेलुलेज। ये दो एंजाइम जो हैं ये पोलन ट्यूब की टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और पोलन ट्यूब की टिप पे प्रेजेंट होने की वजह से आगे ये रास्ता बनाते हैं ताकि पोलन ट्यूब आसानी से उसमें एंट्री कर सके। हाँ एक बात और सुने इसमें, अब जैसे कि ये आगे प्रेशर लगाएंगे, आगे सोलिडिफाई है स्टाइल और इसमें प्रेशर लगेगा, तो ये भी हो सकता है कि जो जनरेटिव सेल है या जो दो मेल गैमेट है या फिर जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो बैक फ्लो हो जाए, वापिस पीछे की तरफ प्रेशर की वजह से पीछे जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, पीछे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो पोलन ट्यूब है, जैसे ये पोलन ट्यूब है, इसमें देखिए यहाँ पर हो गए ये ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर हो गए ये दो मेल गैमेट, ठीक है। अब ये प्रेशर की वजह से पीछे जा सकते हैं लेकिन नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ पर इसमें एक ब्लॉकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, जो किसके बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं कैलोस, ये कंपार्टमेंट जो है कैलोस कार्बोहाइड्रेट की, किसके, कैलोस कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं कंपार्टमेंट, और ये जो है इसको पीछे की तरफ बैक फ्लो नहीं होने देते, और इसको हम बोलते हैं इस पोर्शन को कैप ब्लॉक, कैप ब्लॉक। कैप ब्लॉक की वजह से जो है वो बैक फ्लो नहीं होगा, किसका, इन दो मेल गैमेट का और ट्यूब न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये किसमें बताया मैंने, सोलिडी, जो सोलिडिफाई है। हाँ यदि होलो है स्टाइल तो उसमें उसको कोई मतलब परेशानी नहीं होगी, आसानी से इजिली वो उसमें से पास हो जाएगी स्टाइल में से, और सेमी सॉलिड में का मतलब हो गया कि कुछ पोर्शन उसका होलो है और कुछ सोलिडिफाई है, ठीक है। तो उसमें से भी उसमें भी एंजाइम काम करेंगे उसकी, ठीक है। तो ये तो था स्टाइल का बताया आपको, ठीक है, और ये भी बता दिया कि बैक फ्लो न हो उसके लिए क्या बना हुआ है, कैप ब्लॉक बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे कि अब आगे बात करें हम इसमें, आगे बात करें यदि देखें तो इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है। अब एक बात तो सुनिए, जैसे कि ओवरी तक पहुंचेगी जब पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई, ठीक है, तो धीरे धीरे जो ट्यूब न्यूक्लियस है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी पोलन ट्यूब, तब तक वो धीरे धीरे डिजनरेट होना शुरू हो जाएगा, और वहां तक आके कंप्लीटली वो डिजनरेट हो जाएगा। जैसे ही फिलिफॉर्म एपरेटस तक पहुंची पोलन ट्यूब, तो वैसे ही वो डिजनरेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा डिजनरेट? ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। अब आगे बात करें इसमें, और इसी को फिर क्या बोलेंगे, एक्स बॉडी बोलेंगे, जो डिजनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये तो था आपका इसमें, एक तरह से हम बात करें कि भाई पोलन ट्यूब ने कैसी एंट्री की, ठीक है। अब आगे यदि हम बात करें इसमें, तो जो पोलन ट्यूब जैसे कि माइक्रोपाइल एंड से एंट्री कर रही है, या फिर वो इंटेग्यूमेंट से एंट्री कर रही है, या फिर फ्लैजल एंड से एंट्री कर रही है, तो तीन तरह से एंट्री कर सकती है वो, ठीक है। अलग अलग प्लांट में यदि हम बात करें तो अलग अलग में ये अलग अलग तरह से एंट्री करेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए एक बार, ये ओव्यूल था, इसमें ओव्यूल के अंदर
कुछ इस तरह से ही। इसमें जो है एंटीकोडन सेल हो गई इसमें, ठीक है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है, कुछ इस तरह का एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। एनाट्रोफस का मतलब उल्टा, ठीक है। अब इसमें मैं नाम लिख देता हूँ, ये जो है इसके, ये एंटीकोडन सेल है तीन, ठीक है, ये कौन सी सेल है, एंटीकोडन सेल, ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए इसके, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स हो गए। और इसमें जो है ये सिरा जो है इसका माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पोल, ये सिरा जो है सिलेजल पोल है, ठीक है। और ये इसमें दो जो हैं ये हैं सिनर्जिड्स, और ये है इसका एग, ये हो गया इसमें पोलार न्यूक्लियाई, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। और ये है इसका फनिकल, फनिकल पोर्स, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका ओव्यूल का। तो इसमें जब यदि पोलन ट्यूब जो है यहाँ से एंट्री कर रही है, माइक्रोपाइल सिरे से एंट्री कर रही है, यहाँ से एंट्री कर रही है ये पोलन ट्यूब, ठीक है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री कर रही है, तो इसमें जो है इसको बोलते हैं हम पोरोगैमी। इसको क्या बोलते हैं हम, पोरोगैमी, क्या बोलेंगे, पोरोगैमी, ठीक है। अगर इस तरह से एंट्री कर रही है, और मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें माइक्रोपाइल पोल से ही एंट्री करती है पोलन ट्यूब, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी बोलते हैं, ठीक है। अब यदि पोलन ट्यूब जो है वो मान लो इस सिरे से एंट्री करे, सिलेजल पोल से एंट्री कर रहे, ठीक है, इधर से माइक्रोपाइल पोल की तरफ से एंट्री न करके सिलेजल पोल की तरफ से एंट्री करे, तो उसको बोलते हैं हम क्या, सिलेजोगैमी, स्लेजोगैमी, यदि स्लेजल एंड से वो एंट्री करती है तो, ठीक है। और यदि वो करती है इंटेग्यूमेंट से, जैसे इस तरफ से करेगी मान लो एंट्री, इस तरफ से एंट्री कर रही है, इंटेग्यूमेंट से एंट्री करेगी पोलन ट्यूब, तो जो है वो क्या होगा, उसको बोलते हैं मीजोगैमी, या फनिकल से एंट्री करे तो उसको क्या बोलते हैं, मीजोगैमी, ठीक है, मीजोगैमी बोलते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है इसमें, पोलन ट्यूब किसी भी साइड से एंट्री करे, चाहे चल वो सिलेजल पोल से एंट्री करे, या फिर इंटेग्यूमेंट की साइड से एंट्री करे, या फिर माइक्रोपाइल में तो सीधी माइक्रोपाइल पोल की तरफ ही जाएगी वो सिनर्जिड से, लेकिन अगर वो सिलेजल पोल से एंट्री कर रही है तो भी, जैसे मान लो यहाँ से एंट्री करेगी वो सिलेजल पोल से एंट्री करेगी, तो वो घूम के ऐसे इधर माइक्रोपाइल की तरफ ही आएगी। मतलब एम्ब्रियो सैक में देखो, ओव्यूल में एंट्री पोलन ट्यूब की किसी भी तरह से हो सकती है, सिलेजल पोल की तरफ से हो सकती है, इंटेग्यूमेंट से हो सकती है, या फिर माइक्रोपाइल की तरफ से हो सकती है। बट ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर जो है एंट्री हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ से ही होगी इसमें, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तो था। और पोलन ग्रेन जब रिलीज हुआ था वो कौन सी कंडीशन थी, बाई न्यूक्लियेट कंडीशन थी, तो उसमें आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। अब आगे हम इसमें बात करें कि ये तो था आपका पूरा एक तरह से प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यदि एक फर्टिलाइजेशन की हम आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, कैसे वो काम करेगी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, इसको नोट करें, डायग्राम को बना लें, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।